पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो मेरी पुत्री को बचाया जा सकता था। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं XMT न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। फतेहाबाद से ग्राम शालूबाई निवासी रेखा पुत्री दर्शनलाल 23 अक्टूबर को दोपहर गायब हो गई थी। परिवारजनों द्वारा काफी खोजबीन करने के बाद उसका कोई पता ना लगने पर मृतक युवती के परिवारजनों ने 24 अक्टूबर को थाना फतेहाबाद में युवती की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा गुमशुदगी दर्ज करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की। परिणाम यह हुआ कि 25 अक्टूबर की सुबह मृतका रेखा का शव उठगर नदी में पानी में तैरता हुआ पाया गया। मृतका के गले में चोट के निशान थे और कान से खून बह रहा था, जिससे परिवारजनों ने रेखा की हत्या की आशंका को जताया। रेखा के पिता दर्शन सिंह का आरोप है कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो मेरी पुत्री को बचाया जा सकता था। पुलिस की लापरवाही के चलते मेरी पुत्री की हत्या कर उसकी लाश को हत्यारों ने उठगर नदी में फेंक दिया। इस प्रकरण को लेकर आज कांग्रेस के जिला सचिव होतम सिंह निषाद और कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित मृतका के परिवारजनों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों को लेकर थाना फतेहाबाद पहुंचे। उन्होंने प्रभारी निरीक्षक से मुलाकात कर रेखा की हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस हत्यारों को बचाने का प्रयास कर रही है, पुलिस द्वारा कार्यवाही में लापरवाही बरती जा रही है। अगर पुलिस गुमशुदगी दर्ज होने के बाद कार्यवाही करती तो रेखा की हत्या होने से बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा रेखा के हत्यारों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। फतेहाबाद से XMT न्यूज के लिए सुशील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम होतम सिंह निषाद है, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कांग्रेस सम्मेलन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज ये जो घटना हुई है उस घटना को लेकर के हमने थाना प्रभारी जी से अभी मुलाकात की है और मुलाकात में हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह बेटी जो हत्या हुई है वो दो दिन पहले हुई है, जबकि तथ्यों के अनुसार मृतक बेटी के पिता का कहना है और लोगों का भी कहना है कि बेटी के कान से ब्लड आ रहा है। रिपोर्ट में दर्शाया जा रहा है कि दो दिन पहले हत्या हुई है, इससे स्पष्ट होता है कि संदिग्ध मामला है और बेटी के पिताजी ने जिस दोषी को थाने में पकड़वा के दिया था उस दोषी से ना तो पूछताछ की गई, ना उस दोषी से अभी तक कोई ऐसी कठोर कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर कोई अंकुश लगाया गया। अगर अंकुश लगाया होता तो आज ये बेटी की जान नहीं जाती, क्योंकि बेटी को इंसाफ मिला होता, बेटी जिंदा होती तो आज कई लोगों को वो खुलासा करके दिखाती और निश्चित ये बेटी की जान के साथ साथ जो खिलवाड़ नहीं होता। क्या नाम है आपका? दर्शनलाल। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना लड़की 23 तारीख को 11:30 बजे और घर से चली गई तो उसका मोबाइल मिला था, उसमें इस लड़के का कन्हैये का नंबर था और इसी की सिम थी। तो ये 24 तारीख को और 9 बजे लगभग यहाँ पकड़ के थाने में पुलिस को बुलाया, दे दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई और घर पे गए ने इतना इन्होंने कोई कुछ ससने की कोई उसकी जानकारी नहीं की तो उन्होंने घर वालों ने उसके ने और इतना पुत्री मार दी। तो यह पुलिस जा दी और इसकी सूचना लेती, अगर कार्रवाई करती तो मेरी पुत्री नहीं मरती और अगर पुत्री होती तो उसके रिश्तेदारों को, उसके भाइयों को और उसके परिवार को सबका नाम बताती। आज आप थाने आए हो, किस तरह का आश्वासन दिया गया? थाने अभी कह रहे हैं हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं है। मनोज दीक्षित, कांग्रेस पार्टी की निवर्तमान जिलाध्यक्ष आगरा। आज थाना प्रभारी फतेहाबाद से मिली है, क्या कुछ मामला है जी? फतेहाबाद में आज इस शालूबाई जो गांव है वहां की एक हमारी बेटी जो कि रेखा कुमारी, उसकी हत्या कर दी और उसके हत्या करने के बाद उसको पानी में डाल दिया गया, डुबो के उसकी मौत को दिखा रहे हैं, जबकि उनके पिता मेरे साथ खड़े हैं। जब पिता का मेरे पास फोन गया, मुझे सूचना जानकारी हुई, मैं तुरंत मौके पर आई और उनसे उनकी हाल जाना और अभी अधिकारियों से मिले यहाँ। लेकिन अधिकारियों का क्या, वही रोना होता है कि जांच कर रहे हैं, किसी इंसान की जान चली जाए और इन्हीं अधिकारियों के वजह से। लेकिन अधिकारियों को ये नहीं पता कि तुम इस सरकार में, वो तो करवाएंगे आपसे गलत काम, अगर न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, कानूनी एक न्याय दिला सकता है। अब तो हर व्यक्ति का कानून से भी भरोसा उठ चुका है। अधिकारी यही बात कह रहे हैं जब उनसे पूछा गया, क्योंकि जब 23 तारीख की घटना है
24 तारीख को लड़की के पिताजी ने उस लड़के को पकड़वाया जिसके साथ लड़की गई हुई थी। 24 तारीख को यहाँ पुलिस कह रही पूछताछ के लिए, जबकि काम था पुलिस का अरेस्ट करना तहरीर पर, लेकिन पिता लड़की का पिता पकड़वा के दे रहा है कि मेरी लड़की को ये ले गए। रात को उसकी मेहमान नवाजी होती है यहाँ थाने पर, लेकिन दूसरे दिन लड़की की हत्या कर दी जाती है। तो ये सब आप भी देख रहे हैं। मैं तो कहना चाहती हूँ अपने मीडिया भाइयों से जो आज मेरी ले रहे हैं कि दिखाए, क्योंकि ये बेटी इनकी नहीं है, बेटी सबके पास है। तो आज इनकी बेटी का नंबर कल मेरी का परसों तुम्हारी के लिए होगा। इस सरकार से जो नारे थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, मैं तो कहती हूँ इस सरकार से बेटी को बचाओ बेटियों को। हर पूरी यूपी में बुरा हाल है, इसी तरीके से बेटियों के साथ दुराचार ये घटनाएं हो रही हैं। लेकिन मैंने भी आज ये कहा है, भरोसा इनको दिलाया है बेटी के पिताजी को, कि अगर पुलिस, मैं भी ये कहना चाहती कि निर्दोष को दोषी नहीं बनाया जाए, लेकिन जो लड़की के पिताजी की पिता की पीड़ा है कि आज काश मैं उस लड़के को जब थाने मैं पकड़वा के लाया था उसी वक्त अगर पूछताछ पुलिस करती तो इनकी बेटी की जान नहीं जाती। अब जब जान ही चली गई तो मैं कहना चाहती हूँ जो लोग आज यहाँ बंद है वो लड़का और जो जिन लोगों का हाथ है उसमें, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं। अगर बख्शा जाता है तो हम लोग यहाँ कांग्रेसी जन पूरा माननीय प्रियंका दीदी को बुलाकर इस थाने पे धरना और प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें।